गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ, कि हम पूरे वीक के लिए मसाला कैसे बना के रख सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने माय वीकली प्लानिंग ब्लॉग में भी शेयर किया था मसाले की रेसिपी, कि जिससे हमारा काफ़ी काम ईजी हो जाता है। जैसे कि अगर हमारा मसाला रेडी रहता है तो हमें डेली मतलब ये सब चक्कर नहीं पड़ते कि हमें प्याज काटना है, टोमेटो काटना है, फिर भाजी बनानी है, क्या सोचना है, ये सब करना नहीं पड़ता है। अगर मसाला रेडी रहता है तो बस मसाला निकाला, फ्राई किया, देन उसमें जो भी भाजी वो मिक्स की, थोड़ा सा फ्राई किया, भाजी पकने दी, भाजी बन जाती है। तो मैंने जो माय वीकली प्लानिंग ब्लॉग शेयर किया था वो काफ़ी महीनों पहले किया था। मतलब मैं जब स्टार्टिंग में यूट्यूब में आई थी तब मैंने वो ब्लॉग शेयर किया था, वो वीडियो शेयर किया था। तो अभी मेरे काफ़ी नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, तो उन्होंने वो वीडियो नहीं देखा होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कि हम पीछे के वीडियो जाके नहीं देखते। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं वापस से आपके साथ वो शेयर कर दूँ कि मैं क्या करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा ब्लॉगिंग चैनल पे मैं अपना डेली रूटीन जो है वो शेयर करती हूँ। तो आज है संडे और आज मेरा रूटीन है कि मैं हफ्ते का मसाला बना के रखूँ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अगेन एक बार आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और अगर आपको मेरा वीकली जो प्लानिंग रहता है वो अगर आपको देखना हो तो मेरा माय वीकली प्लानिंग जो वीडियो है वो जाके देखिए, उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर से शेयर करूँ तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं फिर से वो वीडियो शेयर करने की कोशिश करूँगी या ऐसा कुछ करूँगी। तो बस वही, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं मसाला बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो अगर हम मसाला बना के रखते हैं तो हमारा काफ़ी काम इजी हो जाता है, जैसे कि मैंने पहले कहा। देन ये मसाले की मैं बात बता दूँ, अगर हम ऐसा मसाला बना के फ्रीजर में रखते हैं तो हम एक वीक तक या 10 दिन तक चला सकते हैं। मतलब 8 से 10 दिन तक ये मसाला चलता है, अपने ऊपर डिपेंड है कि हमें कितने दिनों के लिए कितने हिसाब से बनाना है। तो मैं हमें जितना लगता है 1 वीक या 10 दिन के लिए वो हिसाब से बनाने वाली हूँ, तो आप भी उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो मसाले बनाने के दो अलग अलग ये भी रहते हैं, जैसे कि अभी मैं जो बना रही हूँ वो सूखा खोबरा लेके बना रही हूँ। कोई लोग ना जो नारियल रहता है उसका भी बनाते हैं, वो भी अलग रहता है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। और एक रहता है कि जो हम ना जो प्याज रहता है, वो प्याज और खोबरा रहता है वो डायरेक्ट गैस के ऊपर हम सेक के बनाते हैं, वो भी अलग रहता है। तो वो भी मैं नेक्स्ट टाइम कभी शेयर करूंगी, वो भी अलग अलग जो है मसाले के प्रकार वो। तो आज ये देखिए कि मैं कैसा वीक में अपना मसाला बना के रखती हूँ, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए देखते। तो यहाँ मैंने लिया है प्याज, फिर अदरक, लहसुन, सूखा खोबरा और मिर्ची। आप इसमें आखा मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। देन लिया पानी वॉश करने के लिए और कट करने के लिए चॉपिंग बोर्ड। तो मैंने यहाँ पे अभी सब कट कर लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मैंने सब अच्छे से कट कर लिया है और खोबरा मैंने कीस कर लिया है ताकि वो अच्छे से उसका मिक्सर में बारीक हो जाए इसलिए। तो यहाँ पे मैं अभी पैन में ऑयल डाल रही हूँ, देन उसके बाद मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा। तो जीरा तड़तड़ने के बाद मैं उसमें डालूंगी प्याज और प्याज को मैं अच्छी तरह से रेड होने तक पका लूंगी अच्छे से, ताकि हमारी जो ग्रेवी बनेगी उसको बहुत अच्छे से टेस्ट आए इसलिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है प्याज और हम ये मसाले को अच्छे से मतलब फ्राई कर लेते, इसलिए ये मसाला हमारा 8 से 10 दिन तक टिकता है फ्रीजर में रख कर। तो मैं अभी ऑनियन को अच्छे से फ्राई कर लूँगी एकदम रेड होने तक। तो यहाँ पे हमारा प्याज अच्छे से रेड हो गया है, तो देन उसके बाद मैं उसमें डालूंगी सूखा खोबरा जो मैंने कीस कर लिया है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैंने कीस कर इसीलिए लिया क्योंकि वो अच्छे से फिर मिक्सर में पीसा जाएगा। अगर हम उसको बारीक बारीक कट करके भी लेते तो भी थोड़े से ऐसे मोटे मोटे पीस रह जाते, एकदम मिक्सर में ग्रेवी नहीं बन जाती उसकी, थोड़े थोड़े मोटे बीच बीच में लगते रहते इसीलिए। और यहाँ पर मैंने लिए है तिल, तो मैं वो डाल रही हूँ मसाले में। वो आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपको लग रहा है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आपको नहीं चाहिए तो आप नहीं डाल सकते, लेकिन मैंने डाले हैं, मेरे पास थे इसीलिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितना आपको मसाला बनाना है वो हिसाब से, हर एक चीज़ मैंने अपने अकॉर्डिंग ली है कि अगर मैंने 4 से 5 प्याज लिए तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको अदरक लहसुन ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा ले सकते, कम चाहिए तो कम ले सकते। तो यहाँ पे मैं खोबरे को भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी, प्याज और खोबरे को दोनों को, और फिर मैं बंद कर दूँगी अभी और वो ठंडा होने दूँगी। गरम गरम कभी भी हमें मिक्सर में नहीं पीसना चाहिए।
तो इसलिए मैं अभी इसको रख दूंगी और ठंडा होने के बाद फिर मिक्सर में पीसूंगी। तो यहाँ पे मेरा प्याज और खोबरा ठंडा हो चुका है, तो मैं अभी मिक्सर के बर्तन में डाल रही हूँ मिर्ची, अदरक, लहसुन और फिर वो जो कांदा और खोबरा फ्राई किया है वो भी डाल दूंगी। गरम गरम इसलिए नहीं डालना चाहिए क्योंकि अगर मिक्सर हमने अच्छे से पकड़ा ना हो या गरम हमें लगे तो वो छूट सकता है और पूरी घर में भी फैल सकता है, देन हमें भी चटका लग सकता है। इसलिए कभी भी मिक्सर में जो भी पीसना हो आपको आप ठंडा होने के बाद पीसे। तो यहाँ पर मैं अभी पीस कर ले रही हूँ और इसमें मैंने धनिया नहीं डाला क्योंकि मेरे पास धनिया नहीं था। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि हम लोग यहाँ पर वीकली वेजिटेबल लाते हैं तो इसलिए धनिया हमारा जल्दी से ख़त्म होता है, तो आप इसमें धनिया भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ख़त्म हुआ था इसलिए मैंने नहीं डाला। तो यहाँ पे हमारा मसाला रेडी हो चुका है जो मैंने डब्बे में भर के रख दिया है और मैं इसको अभी ठंडा ही है तो फ्रीजर में रख दूँगी। तो आप लोगों ने देखा मैंने किस तरह से मसाला बना के रखा, तो मैं अदरक लहसुन पेस्ट भी इसी तरह से बना के रखती हूँ, इसी तरह से मिक्स कि अदरक लहसुन पेस्ट भी मैं वीकली बना के रखती हूँ ताकि जो हमारे डेली काम होते वो इजी हो जाते। इनडायरेक्टली एक है कि समझ लीजिए, क्योंकि अगर हम वीक में एक बार हमारे मसाला बनाने के लिए आधा घंटा दे रहे हैं तो हमारे डेली का बहुत टाइम बचता है। डेली मतलब जब जो हमें मसाले की भाजी करनी हो तब मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कभी कभी हम सोचते कि अरे हमें क्या खाना बनाना है, फिर हमें याद आता है कि हम ये भाजी बनाते, फिर हम सोचते अरे इसके लिए तो मसाला करना पड़ेगा, तो फिर वो मसाला बनाने के लिए आपको एक घंटा लगता है, आधा एक घंटा जो भी वो लगता है, देन उसके बाद आप भाजी बनाएंगे, देन उसके बाद पूरा खाना बनेगा, तो बहुत टाइम जाता है। अगर आपका मसाला रेडी रहता है और आपको ध्यान आता है कि अरे हाँ मुझे ये भाजी बनानी है, तो ऐसा था कि चलो यार मसाला भी रेडी है अभी फटाफट बना देते, तो इसीलिए ये है कि ये इनडायरेक्टली। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों ने देखा मैंने किस तरह से मसाला बनाया, तो मैंने पहले सब काट लिया, देन उसके बाद थोड़ा फ्राई कर लिया। अगर हम फ्राई कर लेते हैं तो जब हम मसाला बना मतलब जब हमें भाजी बनानी होती तो हमें इतना फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती। आप इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, जब आपका मसाला बन जाता है तो आप पूरी तरह से ऑयल में मतलब ऑयल डाल के हम जैसे भाजी को तड़का मारते उस तरह से पूरा मसाला फ्राई करके भी रख सकते हैं। ठंडा होने के बाद आप फ्रीजर में रखिए, गरम गरम मत रखिए। तो आप जो जैसे मैंने कहा कि हम जैसे ऑयल डाल के तड़का देते थे उसी तरह ऑयल डालिए पैन में कढ़ाई में, देन उसके बाद मसाला डालिए और अच्छे से पका लीजिए जैसे कि हम भाजी के लिए पकाते हैं, और फिर उसके बाद वो ठंडा होने के बाद डब्बे में भर के रख दीजिए। तो जब आप भाजी बनाएंगे ना उस टाइम पे आपको मसाला फिर से फ्राई करना नहीं पड़ेगा, देन उस टाइम पे आप बस ऐसा कर सकते हैं कि आपने मसाला निकाला ऑयल में थोड़ा सा ऑयल लेके डाल दिया, देन उसके बाद भाजी डाल दी, सब मिक्स करके जस्ट हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट हमारी आधी भाजी रेडी रहती है, बस हमें जो भाजी हम मिक्स करके उसको पकाना होता है। और नहीं तो मैंने जैसे अभी आपने देखा कि मैंने जस्ट ऐसे ही मसाला भर के डब्बे में रख दिया, तो मैं जब भाजी बनाने होती है उस टाइम पे मैं फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से, देन उसके बाद भाजी मिक्स करती हूँ, तो उस तरह से भी बना सकते हैं। तो जब मैं भाजी बनाऊंगी कभी मसाले वाली तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको आइडिया आएगा कि मैं किस तरह से ये मसाले का यूज करती हूँ। तो बस ये था आज का मेरा वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।